किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दो है तथा प्रथम पांच पदों का योगफल अगले पांच पदों के योगफल का एक चौथाई है। दर्शाइए कि 20वां पद माइनस 112 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, जो पहला पद है ना वो तो दे रखा है दो। प्रथम एन पदों का योगफल होता है एस एन, प्रथम पांच पदों का योगफल होगा एस फाइव। ठीक है, प्रश्नानुसार एस फाइव प्रथम पांच पदों का योगफल, ये किसके बराबर है? अगले पांच पदों के योगफल का एक चौथाई है। एक चौथाई किसका है? अगले पांच पदों के योगफल का, मतलब ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए एट, ए नाइन और ए टेन। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रथम पांच पदों का योगफल जो होता है ना वो होता है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव, ये तो होता है पहले पांच पदों का योगफल। अगले पांच पदों के योगफल का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो प्रथम एन पदों के योगफल का होता है। तो अगले पांच पद क्या है? ए छह से लेके ए दस तक, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, अगर मैं इसको दस तक लिख दूं तो ये प्रथम दस पदों का योगफल है। ठीक है, और अगर मैं इस दस पदों के योगफल में से पांच पदों का योगफल माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा ए छः प्लस ए सात प्लस ए आठ प्लस ए नौ प्लस ए दस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अगली लाइन में, जो एस पांच है ना वो हो जाएगा एक बटे चार प्रथम दस पदों के योगफल में से प्रथम पांच पदों का योगफल माइनस हो गया, तो आ गया ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए एट प्लस ए नाइन प्लस ए टेन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फोर इधर आ जाएगा, फोर एस फाइव इक्वल टू एस टेन माइनस एस फाइव। एस फाइव को लेफ्ट में ले आते हैं तो यहां होके प्लस हो जाएगा, फाइव एस फाइव इक्वल टू एस टेन। दोनों जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस फाइव का फॉर्मूला देखो क्या होगा, पांच बटे दो दो ए प्लस पांच माइनस एक डी। एस टेन का होगा दस बटे दो दो ए प्लस दस माइनस एक डी। ठीक है, ये दो से दो कट गया नीचे वाला। ठीक है, तो यह आ जाएगा पच्चीस दो ए प्लस चार डी, यह आ जाएगा दस दो ए प्लस नौ डी। इसको पांच से काटा पांच आ जाएगा, इसको पांच से काटा तो दो आ गया। ए का हमारे पास मान है दो, तो ए का मान भर देते हैं, तो दो गुना दो चार प्लस चार डी, दो चार प्लस नौ डी, अंदर गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा बीस, पांच को इससे गुना करेंगे तो बीस डी आठ प्लस 18 डी, तो 20D माइनस 18D 8 माइनस 20, 20D माइनस 18D आ जाएगा 2D, 8 माइनस 20 आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 12, D का मान आ जाएगा माइनस का 6। अब हमसे कोई भी पद पूछे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद है और सार्वांतर है। हमने दर्शाना है 20वां पद माइनस 112 है, तो अब ए 20 निकालेंगे, ए 20 का मान होता है ए प्लस 19 डी, ए का मान हमारे पास है 2 प्लस 19, डी माइनस में तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, 19 को 6 से गुना करेंगे माइनस 114, तो आ जाएगा माइनस 112। क्लियर है, नोट कर लो इसको। समांतर श्रेणी माइनस छः माइनस 11 बटे दो पांच के कितने पदों का योगफल माइनस 25 है? तो सॉल्यूशन में पहले मैं समांतर श्रेणी लिख देता हूं जो दी हुई है। समांतर श्रेणी है माइनस छः माइनस 11 बटे दो माइनस का पांच डैश डैश डैश। ठीक है,
तो इसमें देखो क्या होगा, जो प्रथम पद है वो तो है -6, डी हम निकालेंगे, डी होता है a2 - a1, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, दो लघुत्तम ले लिया, -11 + 12, तो डी का मान आ गया 1/2। कितने पदों का योगफल -25 है, माना n पदों का योगफल -25 है, तो Sn बराबर -25। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n - 1d बराबर क्या है, -25। ठीक है, अब a का मान रख देते हैं, a का मान हमारे पास है -6, तो आ जाएगा -6 रखेंगे तो आ जाएगा -12, n - 1, d का मान है 1/2 बराबर है -25। इस दो को गुना करके यहां ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n, और अंदर दो लघुत्तम भी ले लेते हैं तो आ जाएगा -24 + n - 1, दो गुना करके उधर ले गए तो आ जाएगा -50। इस दो को अंदर गुना कर देते हैं, -24 - 1 आ जाएगा -25 n, n को n से गुना किया आ जाएगा n² दो उधर जाके गुना हो गया तो आ जाएगा -100, तो आ गया n² - 25n + 100 = 0। अब इसके गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, 100 के गुणनखंड होते हैं 20 × 5, तो आ जाएगा n² जो इसमें फिट बैठते हैं 20n - 5n + 100 = 0। n कॉमन आ गया n - 20, -5 कॉमन आ गया आ जाएगा n - 20 = 0, n - 20 n - 5 = 0, या तो पहली ब्रैकेट 0 होगी मतलब n = 20 या फिर n = 5, दोनों ही पॉसिबल है इसके अंदर, क्लियर है, इसको नोट कर लो।